जाके बोल दीजिए अमित शाह जी को कि मैं बिस्तर छोड़ के आया हूँ, मर्द जेल से नहीं डरता। आनंद मोहन डरने वाले लोग नहीं। पुलिस के हाथ में रिवाल्वर हो, किसी को ठोक दे, इसकी इजाज़त नहीं दे सकता। एनकाउंटर की इजाज़त कोई लोकतंत्र नहीं देता, लेकिन अगर एनकाउंटर की इजाज़त, तो फिर तो कोर्ट को हटा दीजिए ना। अमित शाह जी बड़े लोग हैं, है ना, और मेरे जैसे छोटे व्यक्ति पर जब वो तंज कसते हैं तो उनके हाइट का अनुमान लोग स्वतः हिंदुस्तान का लगा रहे हैं। उनका क्या कहना है, बड़े लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, मेरी आज़ादी उनको अच्छी नहीं लग रही, मेरी बेगुनाही उनको अच्छी नहीं लगी। मेरा अभिषेक है, पूर्व सांसद आनंद मोहन आज मुजफ्फरपुर कोर्ट में आए हैं। आनंद मोहन जी मुजफ्फरपुर कोर्ट में आए हैं, एक पुराना मामला था, 1994 का मामला था, जेल का मामला था, उस मामले में आए, 96 के मामले में आए हैं। जी जी, पहले बोल दिया है आप लोगों को। क्या मामला था ये पूरा? ये पूरा मामला तो वकील साहब बोला बताएंगे, हम तो इतना ही जानते हैं कि जेल में कोई लफड़ा हुआ था। मैं सुपरिंटेंडेंट साहब के दफ्तर में अपने मुलाकातियों से मिल रहा था और उसी दौरान अंदर हंगामा हुआ, दो गुट में झगड़े हुए और झगड़ों के बाद कुछ लोगों पर मुकदमे हुए। कई वर्षों के बाद मुझे अखबारों से जानकारी मिली कि आपके भी नाम, आपके नाम नॉन अवेलेबल वारंट है, तो फिर मैं यहाँ आया। और उन दिनों बाढ़ में मैडम लवली आनंद चुनाव लड़ रही थी विधानसभा की, जो चुनाव वो जीती भी बाद में, तो जानकारी मिली कि वर्षों पहले आप पर एक नॉन अवेलेबल वारंट था। इस बीच तो कई बार हम यहाँ मुजफ्फरपुर आते रहे, कार्यक्रम करते रहे, कोर्ट भी आते रहे, लेकिन मुझे कोई जानकारी थी नहीं। अखबारों से जानकारी मिली, आए, जमानत लिए और वर्षों तक ये मुकदमा चला और आज क्लोज्ड हुआ है। आज साक्ष्य बंद हुआ है और आगे की तिथि वकील साहब बताएंगे कि कब हुआ है। सहरसा में कल आप जश्न मना रहे थे, मेडिकल कॉलेज जी क्या कहेंगे उसको लेकर? ये हम आभार व्यक्त किए हैं राज्य सरकार को कि सहरसा में जो एक ऐतिहासिक बंद जन सरोकारों के सवाल पर हुआ, उसका आदर करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो तोहफा सहरसा को दिया तो सबों को अच्छा लगा। दो दशक से हमारे पुरखों की विरासत एक एक करके लुट रही थी, जा रही थी, अन्यत्र ट्रांसफ़र किए जा रहे थे, जो क्षेत्रीय कार्यालय थे, जो कमिश्नरी स्तर के कार्यालय थे, वो सभी। तो ऐसे में पहली बार दो दशक के बाद हम तो खोते रहे, पहली बार मेडिकल कॉलेज के रूप में सहरसा को कुछ मिला है, तो स्वाभाविक है, काफ़ी खुशी है। हाँ, जनता के को काफ़ी इसका होली खेल रहे थे। हाँ, हम ही लोग नहीं खेल रहे थे, सारे लोग, पब्लिक खेल रही थी, हम भी उसमें, मुझे भी बुलाया गया, शामिल हुए। अच्छा, एक पत्रकार की हत्या कर दी गई है अररिया में, विमल कुमार जी की, दैनिक जागरण के पत्रकार थे, उनकी आज हत्या कर दी गई है सुबह में। आज नहीं जानकारी, हम तो सफर में थे। क्या कहेंगे हत्या? देखिए, हत्या तो जिसकी भी हो ये जघन्य अपराध है और खास करके प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अभिव्यक्ति की आज़ादी जहाँ नहीं होगी वो समाज मर जाएगा, वो देश मर जाएगा, वो लोकतंत्र जिंदा नहीं रहेगा। ऐसे में लोकतंत्र के किसी प्रहरी को वाजिब आवाज़ उठाने के क्रम में अगर ऐसी घटनाएं घटती तो ये घोर निंदनीय है। कार्रवाई की मांग करते हैं। बिल्कुल, हम सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग। जिस तरीके से अपराध बढ़ा उसको लेकर क्या मांग करेंगे? जैसे योगी मॉडल होना चाहिए बिहार में, एनकाउंटर होना चाहिए अपराधियों का कि नहीं होना चाहिए? अब देखिए, एनकाउंटर की इजाज़त कोई लोकतंत्र नहीं देता है, ये आपको भले अच्छा लगे, है ना, लेकिन अगर एनकाउंटर की इजाज़त, तो फिर तो कोर्ट को हटा दीजिए ना। कोर्ट के चक्कर क्यों लगाते हैं लोग? डेमोक्रेसी में अगर न्यायपालिका की इज्जत ना रहे, लोग सीधे पुलिस अपने हाथ में कानून को ले ले और एनकाउंटर करे, तो यह आपको भले लगता हो अच्छा कि ये कौन उत्तर प्रदेश का मॉडल है, गुजरात का मॉडल अच्छा लगे लोगों को, उत्तर प्रदेश का मॉडल अच्छा लगे, तो फिर
हिटलर का मॉडल भी अच्छा लगना चाहिए ना? तो ये हम इसकी लोकतंत्र की इसकी इजाज़त नहीं देता है। कोई सभ्य समाज एनकाउंटर की इजाज़त सीधे पुलिस के हाथ में रिवाल्वर हो किसी को ठोक दे इसकी इजाज़त नहीं दे सकता। एक अंतिम सवाल है, अमित शाह ने लोकसभा में साफ साफ कहा कि बिहार में कुछ रसूखदारों को छोड़ा जा रहा है, नियम में परिवर्तन किया जाएगा, उसको लेकर क्या कहेंगे? अमित शाह जी बड़े लोग हैं ना, और मेरे जैसे छोटे व्यक्ति पर जब वो तंज कसते हैं तो उनके हाइट का अनुमान लोग स्वतः हिंदुस्तान का लगा रहे हैं ना। वो उनकी हैसियत और हाइट क्या है कि हमारे जैसे छोटे लोग जो 16 वर्षों के बाद जेल से निकला है ना, और नाहक मुजफ्फरपुर की धरती गवाह है कि मैं कितना गुनाहगार हूँ। ये धरती जहाँ हम खड़े हैं एक एक सच्चाई से वाकिफ है, और ऐसे में अमित शाह का कोई बयान, ये दूसरा उनका बयान है ना, उनकी श्रेष्ठता को साबित करता है। वो कितने ऊंचे लोग हैं, कितने ऊंचे कद के लोग हैं, लोगों को हंसी आती है ना। तो उनका क्या कहना है, बड़े लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, मेरी आज़ादी उनको अच्छी नहीं लग रही, मेरी बेगुनाही उनको अच्छी नहीं लगी, वो चाहते हैं कि हम जेल में जाए, तो मैं बिस्तर छोड़ के आया हूँ। जाके बोल दीजिए अमित शाह जी को कि मैं बिस्तर छोड़ के आया हूँ, मर्द जेल से नहीं डरता, आनंद मोहन डरने वाले लोग नहीं। आपने सुना कि क्या कुछ कहा आनंद मोहन कोर्ट में आया और साफ साफ कहा हम डरने वाले लोग नहीं हैं, मेरी आज़ादी उनको अच्छी नहीं लगी, मेरी बेगुनाही उनको अच्छी नहीं लगी। वहीं उन्होंने इनकाउंटर योगी मॉडल को लेकर बड़ा सवाल उठा दिया है, उन्होंने कहा कि ये इस मॉडल नहीं चाहिए बिहार में।